गुड आफ्टरनून प्रवीण कुमार राय, आवाज सुन रहे हो ना? मानसी चोर मगर तो टाइम भी वैसे बोल यार, मैं तो क्लास ले रहा हूँ यार। अब जैसे टाइम टेबल आएगा ना, जैसे टाइम टेबल में क्लास लगेगी वैसे ही लूंगा ना। गुड आफ्टरनून, मैं क्लास कंटिन्यू ले रहा हूं। बस यही है कि टाइम टेबल में जो चेंज होती रहती हैं वो मुझे दिखाई देती है, मैं उसी टाइम टेबल के हिसाब से क्लास ले रहा हूं। नहीं, कल मेरा क्लास थोड़ी था, कल मेरा क्लास 9th और 10th में था। गुड आफ्टरनून अभिषेक, बस देखता हूं हाशिर ज्वाइन करेगा कि नहीं, विधि ज्वाइन करेगी कि नहीं, तब तक मैं कुछ इंटरेस्टिंग से डायग्राम्स ढूंढता हूं, ठीक है ना? हमने पिछली क्लास में क्या कंप्लीट किया था? पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के काफी सारे ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स हमने कंप्लीट किए थे। आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ेंगे, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो भाई, डायग्राम दिखाई दे रहा होगा तुम लोग को, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? इस डायग्राम को देखो बच्चे, इज दिस डायग्राम विजिबल टू यू? जी चलो ठीक है, बस 2-3 मिनट और रुकते हैं हाशिर के लिए। हाशिर अगर आया तो गुड, नहीं आया 2-3 मिनट के बाद तो हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो हमको बेसिकली पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो जेनेसिस,
गैमिटोजेनेसिस हमको पढ़ना है। गैमिटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। कहां पर बनते हैं गैमिट्स? इनसाइड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इनसाइड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है ना। गैमिटोजेनेसिस बेटा टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस देखो, क्योंकि मैमल्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब मेल अलग और फीमेल अलग होगा, इसलिए हमको गैमिटोजेनेसिस अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। मेल में गैमिटोजेनेसिस अलग पढ़ना पड़ेगा, फीमेल में गैमिटोजेनेसिस अलग पढ़ना पड़ेगा। मेल में गैमिटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, तो मेल के गैमिटोजेनेसिस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस ही बोलते हैं, और फीमेल्स में जो गैमिटोजेनेसिस होगी उसको हम बोलेंगे ओजेनेसिस। ओजेनेसिस हम तभी पढ़ेंगे जब हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पहले जानेंगे। मेल का गैमिटोजेनेसिस हमने आज स्टार्ट किया, क्यों? क्योंकि इससे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, है ना। तो क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस आसान लफ्जों में मैं बोलूं तो इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ज्यादातर एनिमल्स में, इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ये स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के अंदर होती है। मैं ये पॉइंट लिखना चाहूंगा, इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इट टेक्स प्लेस, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इट ऑकर्स इन साइड टेस्टिस, इट ऑकर्स इन टेस्टिस, क्योंकि ज्यादातर एनिमल्स में टेस्टिस ही होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, है ना। टेस्टिस पढ़ चुके हैं हम इनके बारे में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ओके, बट अर्थवर्म इज द एक्सेप्शन, अर्थवर्म इज द एक्सेप्शन। मतलब क्या है? ज्यादातर एनिमल्स में स्पर्म बनते हैं टेस्टिस के अंदर, लेकिन अर्थवर्म एक एक्सेप्शन है। इसका मतलब अर्थवर्म में स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के अंदर नहीं होगा, तो फिर कहां होगा? वेयर इज स्पर्मेटोजेनेसिस टेकिंग प्लेस इन अर्थवर्म्स? अर्थवर्म एक एक्सेप्शन है, तो अर्थवर्म में स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पर होगा मैं ये नहीं बताऊंगा। तुम लोग इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लाओगे, स्पर्मेटोजेनेसिस इन अर्थवर्म्स कहां पर होगी? ऑकर्स इन, मैं क्वेश्चन मार्क रखूंगा इस क्वेश्चन का आंसर, मैं तुम लोग से सुनूंगा, ये तुम लोग का होमवर्क है, ठीक है ना। तो फिलहाल कुल मिला के बात ये है कि ज्यादातर एनिमल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन कहां पर होगी? टेस्टिस के अंदर ही होगी। टेस्टिस को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं, लेकिन अर्थवर्म एक एक्सेप्शन है। अर्थवर्म में टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता, फिर कहां होता है?
समवेयर एल्स, ये तुम लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। मुझे कुछ पता नहीं, मुझे बस अर्थवर्म के स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जानना है, वो तुम लोग मुझे बताओ, ठीक है ना। मैं आगे बताऊं, ओके देखते जाओ। इन मैमल्स, मैमल्स मैमल्स में हम भी आते हैं, ह्यूमैन्स भी आते हैं। इन मैमल्स व्हाट हैपेंस, टेस्टिस कंटेन, बता चुका हूं, टेस्टिस कंटेन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मैमल्स के टेस्टिस में, ह्यूमैन्स के टेस्टिस में छोटे से माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स होते हैं, उनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, कंटेन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक एपिथीलियम लगा होता है, उस एपिथीलियम का नाम है जर्मिनल एपिथीलियम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन एन एपिथीलियम, उस एपिथीलियम का नाम है जर्मिनल एपिथीलियम। तुम लोगों ने लास्ट टाइम बताया था, रैबिट मैमल है बस, बिल्कुल, तुम लोगों ने लास्ट टाइम बोला था मुझसे जर्मिनल एपिथीलियम में कौन सी सेल्स होती हैं। मैं तुम लोगों को बताया जर्मिनल एपिथीलियम इज कंपोज्ड ऑफ जर्म सेल्स। तुम ही लोगों ने बोला था शायद जर्मिनल एपिथीलियम एक मॉडिफाइड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम है। जर्मिनल एपिथीलियम इज द मॉडिफाइड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम, मॉडिफाइड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ठीक है ना जी। तो मैंने क्या बोला, मैमल्स के, ह्यूमैन्स के टेस्टिस में काफी सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं उसका। उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्मिनल एपिथीलियम लगा होगा। जर्मिनल एपिथीलियम एक ऐसा एपिथीलियम है विच इज अ मॉडिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम, एंड इसके सेल्स को हम जर्म सेल्स बोलेंगे। यहां तक क्लियर है ना भाई? ठीक है ना। अब देखो इस डायग्राम की तरफ, डायग्राम में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस दिखाया हुआ है। सबसे पहले ऊपर देखो, तुमको दिखाई दे रहा होगा प्रिमोर्डियल जर्म सेल, प्रिमोर्डियल जर्म सेल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना? यस, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स। प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स मतलब इन्हीं सेल्स से बनने वाला है क्या, इन्हीं सेल्स से बनने वाला है जर्मिनल एपिथीलियम। मतलब कहने का यह है कि ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक होती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मतलब जो मां के पेट में, मां के वॉम्ब में एम्ब्रियो बन रहा है, ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स पहले ही उस एम्ब्रियो के अंदर नहीं बनती, ये बाहर बनती हैं किसी और जगह में। कहां बनती है, दैट्स अ सेपरेट इशू, वो बाद में बताऊंगा। ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स कहीं और से एम्ब्रियो के अंदर आती हैं, लिखा है एंटर द टेस्टिस। मतलब ये है, फिर से बोलो, सुनो, ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्मल सेल्स होती है। प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से अराइज होती है। अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म क्या है, देखो तुम लोग को शायद पता हो कि जब एम्ब्रियो मां के यूटरस में इम्प्लांट होता है, उस एम्ब्रियो में बाद में डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगती है, डेवलपमेंट में 9 महीने लगते हैं, ठीक है ना। एम्ब्रियो के बाहर भी एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कवरिंग बोलते हैं।
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कवरिंग में ही कुछ सेल्स होते हैं, उनको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल सेल्स बोलते हैं। वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल सेल्स ही बनाते हैं किन सेल्स को? प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स को। यही प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स धीरे धीरे एम्ब्रियो के टेस्टिस के अंदर एंटर करते हैं। मैं रिपीट करता हूं, एम्ब्रियो मां के पेट में बॉम्ब में इम्प्लांट हो गया, लेकिन इस एम्ब्रियो के बाहर भी कुछ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब एम्ब्रियो के अलावा बाहर कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कवरिंग्स होती हैं। उन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कवरिंग्स में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से कुछ सेल्स बनती हैं, दो सेल्स आर नोन एज प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स। बनने के बाद ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स इसी एम्ब्रियो के अंदर उसके टेस्टिस में एंटर करती है, लिखा है ना, दे एंटर द टेस्टिस। ठीक है, आप देखो ये एम्ब्रियो बच्चा बन गया, बर्थ प्रोसेस हो गया, पैदा हो गया। ये पैदा होने से पहले ही इसके टेस्टिस में क्या आ चुका है? प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स। तो मतलब जब बच्चा पैदा हो गया उसके टेस्टिस में बहुत सारे प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स आ चुके हैं। वही प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स पैदा होने से पहले ही बच्चे के टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्म सेल्स बना दिए, जर्मिनल एपिथेलियम बना दिए। इज इट क्लियर? मैंने कहा बच्चा जब पैदा होगा, पैदा होने से जस्ट पहले इस बच्चे के टेस्टिस के जर्मिनल एपिथेलियम में ऑलरेडी जर्म सेल्स बन चुके हैं। ये जर्म सेल्स एक्चुअली आए कहां से? ये जर्म सेल्स प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स हैं जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू से अराइज होके टेस्टिस में आए। अब बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी लिखा है 12 से 14 साल, यही प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स मतलब जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स डिवाइड होते होते ग्रो होंगी एंड दे आर कन्वर्टेड इंटू स्पर्मेटोगोनिया। कुछ नहीं हो रहा, इनका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना। प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स का डिवीजन हो रहा है, कौन सा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन। बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत सारे सेल्स बने, उन सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया बोले। बच्चे के टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर का जर्मिनल एपिथेलियम, उसमें जर्म सेल्स हैं। इन जर्म सेल्स का माइटोटिक डिवीजन हो रहा है और माइटोटिक डिवीजन से काफी सारे माइटोसिस, काफी सारे स्पर्मेटोगोनिया बने। स्पर्मेटोगोनिया बेटा डिप्लॉयड सेल्स है, ठीक है ना। अब बच्चा प्यूबर्टी स्टेज में आ चुका है, जैसे ही बच्चा प्यूबर्टी स्टेज में आया तो इन स्पर्मेटोगोनिया का फर्दर ग्रोथ हो गया, स्पर्मेटोगोनिया फिर से ग्रो हो गए। स्पर्मेटोगोनिया का ग्रोथ हो गया एंड स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ होने के बाद लिखा है दे प्रोलिफरेट बाय माइटोटिक डिवीजन। ग्रोथ होने के बाद जब ग्रोथ हो गया, बड़ा हो गया, नाउ इनका प्रोलिफरेशन हो गया। प्रोलिफरेशन का मतलब है इनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। कैसे नंबर इंक्रीज हो जाएगा? बाय विच डिवीजन? माइटोटिक सेल डिवीजन इनसाइड द टेस्टिस। यानी कि अगर टेस्टिस के अंदर बहुत सारे ग्रोन, फुली ग्रोन स्पर्मेटोगोनिया आ चुके हैं, उन फुली ग्रोन स्पर्मेटोगोनिया का अब माइटोटिक डिवीजन हो रहा है और माइटोसिस से हर पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी। तो एक यहां पर दिखाया है तो इसके दो डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है ना। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड बाय माइटोटिक डिविजन्स इन द टेस्टिस आफ्टर ग्रोथ एंड आर कन्वर्टेड इनटू अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डॉटर सेल्स। अब देखो ये जो डॉटर सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनिया ही हैं अभी, इनका फिर से ग्रोथ होगा। 25 दिन तक ये ग्रो होते रहेंगे और बड़े हो जाएंगे, साइज बड़ा हो जाएगा,
साइज बड़ा होने के बाद इनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे, बट अभी भी ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है ना? मैं बाद में रिपीट भी करूंगा, टेंशन मत लो। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ग्रो होंगे, सॉरी, ये स्पर्मेटोगोनिया, डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया जो प्रोलिफरेशन से बने, 25 दिन तक ये ग्रो होते रहेंगे और ग्रोथ होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है ना भाई? अब देखो, अब यहां पर असली कहानी स्टार्ट होगी। अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का हो गया मियोटिक डिवीजन फर्स्ट। मियोटिक डिवीजन फर्स्ट जो है, इट इज रिडक्शनल डिवीजन, याद रखियो, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब है इस डिवीजन से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। इस मियोटिक डिवीजन फर्स्ट से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी, जिनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे। लेकिन तुम देख सकते हो, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम्स पेयर्ड कंडीशन में थे, ये एक पेयर था। अब देखो, इसमें क्रोमोसोम अकेला है, इकलौता क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोम अकेला, मतलब अगर इसमें दो क्रोमोसोम्स थे, अब इन दो सेल्स में एक एक क्रोमोसोम आ गया, वो दो क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, अलग हो गए, समझ आई बात? एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगले पेज पे दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेके मुझे डन कर दो। हाँ, स्क्रीनशॉट लिया, आशीर अभिषेक मौर्या, अभिषेक मौर्या स्क्रीनशॉट ले लिया। आई होप अभिषेक मौर्या ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। क्या कर दिया मैंने? हाँ भाई, देखो देखो मैंने क्या बोला, मैं जल्दी जल्दी से रिपीट मार के यहां तक पहुंचूंगा। मैंने कहा बर्थ प्रोसेस से पहले, तो और जूम करूं? अरे भाई रुको, हाँ अभी देखो, हाँ शेर ब्लर हो रहा है ना, ब्लर इसलिए हो रहा है क्योंकि बफरिंग हो रहा होगा, तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा लूज, थोड़ा वीक होगा शायद। अब सही है ना? हाँ चलो ठीक है, देखो जल्दी जल्दी मैं क्या कहने वाला हूं। मैंने कहा कि प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स टेस्टिस के अंदर आ जाते हैं,
दे एंटर द टेस्टिस। लेकिन ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब बच्चा अभी मां के पेट में ही है। प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स कहां से आते हैं बेटा? प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स अराइज फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, है ना। अब ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स टेस्टिस में आ चुके हैं और बच्चा पैदा हो गया। टेस्टिस में कहां आए? टेस्टिस में ये आए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। कहने का मतलब ये है कि टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जर्मिनल एपिथेलियम होता है वो इन्हीं प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स से बनता है। तो बच्चा पैदा हो गया, बच्चे के टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम है। उन जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स, जो जर्म सेल्स हैं, उनको बेटा हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। दे आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। ये डिप्लॉयड सेल्स हैं। बर्थ से प्यूबर्टी तक ये स्पर्मेटोगोनिया बनते रहेंगे, है ना। अब प्यूबर्टी के बाद, जैसे ही बच्चा प्यूबर्टी स्टेज में आ गया, ये स्पर्मेटोगोनिया प्रोलिफरेट होंगे। प्रोलिफरेट, फिर से बोलो, फिर से सुनो। टेस्टिस के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। बर्थ से प्यूबर्टी तक कुछ नहीं होगा, बट प्यूबर्टी के बाद यही स्पर्मेटोगोनिया का माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन। इस माइटोटिक सेल डिवीजन से इन स्पर्मेटोगोनिया का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बोल सकते हो। मैं यहां पर लिखूंगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। मल्टीप्लीकेशन किनका? ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। बच्चे के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया ऑलरेडी बन चुके हैं। ये कहां से आए? ये स्पर्मेटोगोनिया बच्चे के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो जर्मिनल एपिथेलियम है वही से उठे। जैसे ही बच्चा प्यूबर्टी स्टेज में आया, इन स्पर्मेटोगोनिया का मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हुआ। मल्टीप्लीकेशन मतलब इनका माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ। ये स्पर्मेटोगोनियम का माइटोटिक डिवीजन हुआ तो इससे दो डॉटर सेल्स बने, ये भी स्पर्मेटोगोनिया ही है, दोनों डिप्लॉयड, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन से डिप्लॉयड सेल का डिप्लॉयड सेल ही बनेगा। बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन आफ्टर प्यूबर्टी। अब देखो, यही स्पर्मेटोगोनिया ग्रो होंगे, इनका ग्रोथ स्टार्ट होगा। तो दूसरा फेज में यहां पर लिखूंगा ग्रोथ फेज। लेकिन ये ग्रोथ फेज स्टार्ट कब होगा? आफ्टर प्यूबर्टी। प्रोलिफरेशन स्पर्मेटोगोनिया का कब होगा? आफ्टर प्यूबर्टी। ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज में एवरी स्पर्मेटोगोनियम टेक्स 25 डेज टू अंडरगो ग्रोथ, और ग्रोथ के बाद ये कन्वर्ट हुआ इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना। इसमें 25 दिन लगेंगे लगभग। अब देखो, अब हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोटिक वन डिवीजन होगा। मियोटिक वन डिवीजन मतलब अब स्टार्ट होगा तीसरा फेज बेटा। उस तीसरे फेज को हम मैच्योरेशन फेज बोलेंगे, मैच्योरेशन फेज, है ना। तो मैच्योरेशन फेज में क्या हुआ? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का हुआ मियोटिक वन डिवीजन। मियोटिक फर्स्ट डिवीजन में 9 दिन लगेंगे। इधर देखियो जरा, अगर मैं यहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ड्रॉ करूं, ये मान लो ये एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, और सपोज इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के न्यूक्लियस में, सपोज इसमें 2 क्रोमोसोम्स थे। इमेजिन करो, फर्ज करो, सपोज लेट 2 क्रोमोसोम्स हैं। अगर ये डिप्लॉयड कंडीशन में है तो बेटा ये 2 क्रोमोसोम्स ना पेयर्ड कंडीशन में होंगे, तो दूसरा क्रोमोसोम बिल्कुल उसी की तरह मैं रेड कलर से ड्रॉ करूंगा। ये रहा दूसरा क्रोमोसोम, तुम देख सकते हो।
देखो भाई, सपोज इस न्यूक्लियस में, इस सेल में दो क्रोमोसोम्स हैं, टू क्रोमोसोम्स, लेकिन ये सेल डिप्लॉयड भी है। मैं ये समझा चुका हूं, डिप्लॉयड ले हम 2n से लिखते हैं, मतलब ये क्रोमोसोम पेयर्ड कंडीशन में है। मैं कर दूंगा बाद में, रुको। इधर देखो, जब इसका मियोटिक वन डिवीजन होगा, मियोटिक वन डिवीजन बोले तो मियोसिस वन, बेटा मियोसिस वन में दो चीजें होती हैं, एक क्रॉसिंग ओवर और दूसरा सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीजें होंगी मियोसिस वन में। पहले तो प्रवीण कुमार गौरव ने बोला, रिपीट करो, फिर से रिपीट करता हूं, स्पर्मेटोगोनिया कुछ नहीं है भाई, ये वही सेल्स हैं जो टेस्टिस के, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। और ये आए कहां से? ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल से बने जब बच्चा मां के पेट में था, उस वक्त एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स बने। वही प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स बच्चे के टेस्टिस में एंटर किए और बना दिया टेस्टिस में क्या, जर्मिनल एपिथीलियम। उसी जर्मिनल एपिथीलियम के सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। अब क्लियर है ना? इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया का प्यूबर्टी स्टेज के बाद माइटोटिक डिवीजन हो गया, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। अब सुनो, यहां पर मैंने कहा मियोसिस वन में दो चीजें होती हैं, क्रॉसिंग ओवर और सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर कोई बता सकता है? क्रॉसिंग ओवर क्या होता है बताओ। हाँ, शेर तुम बताओ बेटा, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? अभिषेक मौर्या, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? ध्यान से सुनना, क्रॉसिंग ओवर का मतलब है एक्सचेंज ऑफ, अरे नहीं यार, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स, क्रोमोसोम सेगमेंट्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का मतलब है जो ये पेयर है ना क्रोमोसोम का, जोड़ी क्रोमोसोम्स की, इन्हीं को होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये आपस में एक दूसरे के सेगमेंट्स एक्सचेंज करेंगे। देख लो कैसे, तुम लोग ये 11th क्लास में नहीं पढ़े हो क्या? यार बहुत जरूरी चीज है ये, इनको पढ़ना चाहिए था। ये देखो, ये क्रोमोसोम्स आपस में सेगमेंट्स एक्सचेंज करेंगे। रोको, सेगमेंट एक्सचेंज करने के बाद ये क्रोमोसोम कुछ इस तरह दिखेगा। ये रहा इसका दूसरा पार्टनर, अब बताओ क्या समझे? रेड क्रोमोसोम ने ब्लू क्रोमोसोम का कुछ पार्ट ले लिया और ब्लू क्रोमोसोम ने रेड क्रोमोसोम का कुछ पार्ट ले लिया, यही तो है क्रॉसिंग ओवर। और अब देखो, क्रोमोसोम में मेन चीज क्या होती है? डीएनए।
डीएनए के अंदर क्या होते हैं जीन्स, हम ये भी तो बोल सकते हैं कि रेड क्रोमोसोम ने ब्लू क्रोमोसोम से कुछ जीन्स उठाए और ब्लू क्रोमोसोम ने रेड क्रोमोसोम से कुछ जीन्स उठाए। तो क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स का एक्सचेंज होना, जीन्स के सेगमेंट्स का एक्सचेंज होना, इसी प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। जब क्रॉसिंग ओवर हो गया बाद में ये क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, वही इस डायग्राम में दिखाया है। इधर देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोटिक वन डिवीजन हुआ तो दो डॉटर सेल्स बने। ये अभी तक ये क्रोमोसोम्स पेयर्ड कंडीशन में थे, मतलब सेल था डिप्लॉयड। अब ये ब्लू क्रोमोसोम और रेड क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा मतलब जब ये सेल दो सेल्स में डिवाइड होगा। इधर देखो, जब ये दो सेल्स में डिवाइड होगा तो इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम यहां जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम आएगा यहां। बस हो गया। ये चीजें बहुत जरूरी है, कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी होते हैं बेटा, वो अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना तो फिर भूलना नहीं चाहिए उसको, क्योंकि उनकी जरूरत हमको रोज रोज पड़ती है। ये देखो, ये कहने वाला था मैं, क्रोमोसोम्स अलग हो गए, पहले तो पेयर्ड कंडीशन में थे, पहले तो जोड़ियों में थे ये क्रोमोसोम्स, लेकिन मियोटिक वन के वजह से ये अलग अलग हो गए। अलग अलग होने के पहले इन्होंने एक दूसरे के साथ सेगमेंट्स या जीन्स एक्सचेंज कर लिए। अब इस सेल में दो क्रोमोसोम थे तो ये डिप्लॉयड था, क्रोमोसोम्स सेपरेट होके एक क्रोमोसोम यहां आ गया तो ये एन ही हो गया, ये क्रोमोसोम यहां आ गया तो एन हो गया, ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है, समझ आई ना बात? तो कुल मिला के बात यह, इस डायग्राम की तरफ देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड था, जब इसका मियोसिस वन हुआ तो दो डॉटर सेल्स बने, दोनों डॉटर सेल्स अब क्या है, हैप्लॉयड, इनमें क्रोमोसोम्स अब पेयर्ड कंडीशन में नहीं है, सिंगल कंडीशन में है, और इन डॉटर सेल्स को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें तकरीबन 9 दिन लगेंगे। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फिर से डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन, मियोसिस टू, मियोटिक टू डिवीजन जो है बेटा ये इक्वेशनल डिवीजन है, दिस इज इक्वेशनल डिवीजन। अब क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होगा, देखो मियोसिस वन क्या था, रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस वन जो था इट वॉज रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन से क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है टू हाफ। अगर क्रोमोसोम नंबर दो था तो डॉटर सेल्स में एक ही आया, हाफ हो गया ना, बट मियोसिस टू इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन मतलब इस सेल के अंदर अगर एक क्रोमोसोम है तो इससे जो दो सेल्स बनेंगे उनमें भी एक ही क्रोमोसोम होगा, इस सेल में एक क्रोमोसोम है, इससे जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें भी एक ही क्रोमोसोम होगा, ये है इक्वेशनल डिवीजन। तो मियोसिस टू इज इक्वेशनल डिवीजन, इट टेक्स अप्रोक्सिमेटली 19 डेज। ये वाला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का डिवीजन हुआ तो दो डॉटर सेल्स बने, इसमें एक क्रोमोसोम था, इसमें भी एक आ गया, इसमें भी एक आ गया, मतलब ये हैप्लॉयड, ये भी हैप्लॉयड अभी भी, इसमें एक क्रोमोसोम था तो इसमें भी एक आ गया, इसमें भी एक आ गया, मतलब हैप्लॉयड है। इन चारों सेल्स को हम स्पर्माटिड्स बोलेंगे। फाइनली इन स्पर्माटिड्स का डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन में 21 दिन लगते हैं, एंड दीज आर नाउ कन्वर्टेड इनटू मैच्योर स्पर्म्स। अब देखो, स्टार्ट हमने एक सेल से किया था, कितने सेल से, एक सेल से, ये था ना, व्हाट वाज दिस, क्या था ये भाई, ये तो स्पर्मेटोगोनिया ही था ना, एक स्पर्मेटोगोनिया जो कि डिप्लॉयड था। इस स्पर्मेटोगोनिया का जब ग्रोथ होगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ग्रोथ के बाद इसका मियोटिक वन डिवीजन हुआ, इट विल बी
डिवाइडेड इंटू टू डॉटर सेल्स जिनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का मियोटिक टू डिवीजन हुआ जिससे चार सेल्स बने, उनको हमने स्पर्मेटिड्स बोला। स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट होके चार स्पर्म्स बना लिए। इस प्रोसेस को कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इंटू स्पर्म इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्माटीलियोसिस। स्पर्माटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम स्पर्माटीलियोसिस बोलते हैं। इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो फिर। स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हो गया ना ये? अब देखो हम चलते हैं अगले पेज पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखियो मैं ऊपर लिखूंगा हाइपोथैलेमस। बताओ हाइपोथैलेमस को जानते हो? हां भाई मैं कुछ पूछ रहा हूं, हाइपोथैलेमस के बारे में सुना है क्या? हाइपोथैलेमस ये ब्रेन का ही एक पार्ट है। हाइपोथैलेमस ब्रेन में एक हिस्सा आता है। अब सुनो, पहले हमारे ब्रेन में जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे एक पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन के फ्लोर को, डाइएनसेफेलॉन के रूफ को हम एपिथैलेमस बोलते हैं और डाइएनसेफेलॉन के रूफ को हाइपोथैलेमस बोलते हैं। सॉरी, डाइएनसेफेलॉन के रूफ को एपिथैलेमस बोलेंगे और डाइएनसेफेलॉन के फ्लोर को हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। कुल मिला के बात यह है, तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का एक पार्ट है। इस हाइपोथैलेमस से काफी सारे हार्मोन्स निकलते हैं। उन हार्मोन्स को रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। चलो मैं बताता हूं, फिलहाल एक टाइप का हार्मोन इस हाइपोथैलेमस से निकलेगा, उस हार्मोन को हम बोलेंगे GnRH। GnRH का मतलब है गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलेगा, इस हार्मोन को हम गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन बोलेंगे। यह गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आएगा और ब्लड के थ्रू आते आते ये एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में पहुंचेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि भाई तू अपने गोनाडोट्रॉफिन्स रिलीज कर। तब एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रॉफिन्स रिलीज होंगे। कौन कौन सा गोनाडोट्रॉफिन? एक निकलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, उसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा गोनाडोट्रॉफिन निकलेगा, उसका नाम है ICSH,
इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मैं बताया हूं पिछली क्लास में, हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन ने स्टिमुलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होने के बाद आईसीएसएच और एफएसएच रिलीज कर दिया। व्हाट इज आईसीएसएच? आईसीएसएच मतलब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। व्हाट इज एफएसएच? एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच ने क्या किया? एफएसएच टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट किया। याद है सर्टोली सेल्स? सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स, पढ़ाया हूं भाई। एफएसएच सर्टोली सेल्स ऑफ द टेस्टिस के ऊपर एक्ट किया। देखो टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में छोटे छोटे सेल्स हैं, उनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया के बीच में लंबे लंबे सेल्स भी होते हैं, उनको हम नर्व सेल्स बोलते हैं, सर्टोली सेल्स भी बोल सकते हैं। इनका एक और नाम है सस्टेंटेक्युलर सेल्स। तो एफएसएच हार्मोन सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट किया, सर्टोली सेल्स को बोला तुम अपने हार्मोन्स रिलीज करो, तब जाके सर्टोली सेल्स ने दो हार्मोन्स रिलीज किए। एक का नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी। दूसरे का और नाम है ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। मैंने बताया था कहां पर होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, उनको हम लिडिग सेल्स भी बोलते हैं। ये उन्हीं को स्टिमुलेट किया और उन सेल्स को बोला तुम सिक्रीट करो टेस्टोस्टेरोन। सेल्स ने सिक्रीट किया, इंटरस्टिशियल सेल्स ने सिक्रीट किया टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन क्या काम करेगा? ये सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करेगा, ये सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट कराएगा। ठीक है ना भाई? अब यहां तक देखो, इधर देखो, सबसे पहले एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन कराता है। मैं यहां पर लिखूंगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी। व्हाट इट डज? इट कंसंट्रेट्स टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो इंटरस्टिशियल सेल से बना उसी को कंसंट्रेट किया टेस्टोस्टेरोन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इट कंसंट्रेट्स टेस्टोस्टेरोन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कुल मिला के बात यह है कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सर्टोली सेल्स से जब निकलेगा, इंटरस्टिशियल सेल्स टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करेंगे, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इस टेस्टोस्टेरोन को जमा कराएगा। जमा कराने के प्रोसेस को कंसंट्रेशन बोलते हैं। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन को स्टोर कराएगा, जमा कराएगा। जमा कराने के प्रोसेस को मैंने लिखा कंसंट्रेट। जब टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेट होगा तब जाके क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। आफ्टर कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन
स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर्स। तो अगर तुमको कोई पूछेगा यार स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है, तुम बोलोगे टेस्टोस्टिरॉन। लेकिन टेस्टोस्टिरॉन खुद कहां से निकलता है? इंटरस्टिशियल सेल से। तब निकलेगा जब इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करेगा आईसीएसएच। आईसीएसएच कहां से आया? एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से तब आया जब उसको स्टिमुलेट किया गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन। और टेस्टोस्टिरॉन तब स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा जब खुद टेस्टोस्टिरोन के ऊपर एक्ट करेगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये इसकी कंसंट्रेशन करा देगा और ये टेस्टोस्टिरोन सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट भी कराता है ना? कहानी सही है ना? अब देखो, अगर एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, ध्यान से सुनना, स्पर्मेटोजेनेसिस जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हुआ, एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस। कुछ दिन पहले किसी ने बोला था सर स्पर्म्स ये वास डिफरेंस कभी भर जाएगा ना? नहीं भरेगा। वास डिफरेंस तब भरेगा जब स्पर्मेटोजेनेसिस एक्सेस होगा। एक्सेस अगर हो गया तब क्या होता है? तब सर्टोली सेल से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है इनहिबिन। ये इनहिबिन हार्मोन एंटीरियर पिच्यूटरी को इनहिबिट कराएगा। देख लो मैंने माइनस लिखा, माइनस का मतलब इनहिबिट। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा सर अब आप एफएसएच और आईसीएसएच हार्मोन रिलीज ही मत करो। अब अगर एफएसएच और आईसीएसएच हार्मोन रिलीज ही नहीं हुआ तो सर्टोली सेल से एबीपी रिलीज नहीं होगा, इंटरस्टिशियल सेल से टेस्टोस्टिरोन रिलीज नहीं होगा। यही दोनों मिलके काम करते थे ना, स्पर्मेटोजेनेसिस कराते थे। समझ आई बात? इतना ही नहीं, ये इनहिबिन इसको भी इनहिबिट कर देगा। किसको? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को बोलेगा सर अभी आप गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज ही मत करो। क्यों? क्योंकि स्पर्म बहुत सारा बन चुका है, अभी आप रिलीज मत करो। तब जाके हाइपोथैलेमस रिलीज ही नहीं करेगा गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन। जब ये रिलीज नहीं करेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी चुप करके बैठेगा, इससे आईसीएसएच रिलीज नहीं होगा, एफएसएच रिलीज नहीं होगा। ये दोनों रिलीज नहीं होंगे तो इंटरस्टिशियल सेल्स चुप करके बैठेंगे, इससे टेस्टोस्टेरोन रिलीज ही नहीं होगा। सर्टोली सेल्स चुप करके बैठेंगे, इनसे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज ही नहीं होगा। तो कंसंट्रेशन किस चीज का होगा? मतलब टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का रेट कम हो जाएगा, पूरा प्रोसेस थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। ठीक है ना? एक और सीन देख लो, अगर कभी कभार गलती से एक्सेसिव टेस्टोस्टिरोन निकला, इफ एक्सेसिव टेस्टोस्टिरोन इज सिक्रेटेड, यहां लिखूंगा एक्सेस टेस्टोस्टिरोन का हो गया, इंटरस्टिशियल सेल ने काफी टेस्टोस्टिरोन सिक्रीट कर दिया। अब टेस्टोस्टिरोन ज्यादा सिक्रीट हो गया तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी ज्यादा होना चाहिए था ना? नहीं, ये ज्यादा एक्सेस लेवल ऑफ टेस्टोस्टिरोन खुद ब खुद काम करेगा। क्या काम करेगा? ये इनहिबिट कर देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। इसको बोलेगा भाई टेस्टोस्टिरोन बहुत सारा ऑलरेडी है, अब और चाहिए ही नहीं। सिमिलरली ये इनहिबिट कर देगा किसको? हाइपोथैलेमस को। मतलब ये हुआ कि टेस्टिस को खुद ही पता चलता है कि हमको कब स्पर्मेटोजेनेसिस करानी है और कब स्पर्मेटोजेनेसिस रोकनी है। टेस्टिस को पता चल जाता है कि अगर स्पर्म बहुत सारा बन चुका है, इस वक्त और स्पर्म बनने की जरूरत है ही नहीं, तो इस वक्त पूरा प्रोसेस रुकना चाहिए। तो ये खुद ब खुद नेगेटिव कंट्रोल लगा देते हैं। एंटीरियर पिट्यूट एक्सेस लेवल टेस्टोस्टेरोन हो गए थे, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा बस और टेस्टोस्टेरोन नहीं चाहिए। हाइपोथैलेमस को बोलेगा बस और गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं चाहिए। इसी तरह अगर स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत सारा हो गया, बहुत सारा स्पर्म बन गया, तो इनहिबिन हार्मोन रिलीज करेगा कौन? सर्टोली सेल्स। ये इनहिबिन हार्मोन इन दोनों को चुप कराएगा। इस प्रोसेस को हम बेटा बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। क्या बोलते हैं? नेगेटिव
फीडबैक कंट्रोल, याद रखियो ये, नेगेटिव फीडबैक मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय अ नेगेटिव फीडबैक। वो नेगेटिव फीडबैक कौन करता है? दैट नेगेटिव फीडबैक इज डन बाय एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस एंड एक्सेस लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। मेरे को बताओ ये समझ आया? हाँ शेर, अभिषेक मौर्य, वैसे अभिषेक मौर्य क्लास ऐसे ही रख के पता नहीं कहां गया, भाग गया है। हाँ शेर बेटा, तुमको समझ आया? अच्छा, अरे बहुत देर तक तुम आवाज ही नहीं दे रहे थे। चलो बढ़िया है, समझ आया ना? बहुत बढ़िया, तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो एक बार। स्क्रीनशॉट लेके डन, तीनों ने डन कर दिया। चलो भाई आगे चलते हैं। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखा और उसके बाद हमने देखा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यानी कि टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होगा। मैंने बताया स्पर्मेटोजेनेसिस तीन फेजेस में कंप्लीट होती है। ग्रोथ फेज मैंने कब बताया? प्यूबर्टी के बाद, जब स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड हो गए बहुत सारा। पहले तो मल्टीप्लिकेशन फेज होता। मल्टीप्लिकेशन फेज कब होता है? जब स्पर्मेटोगोनिया का माइटोसिस हो गया, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बने, उन स्पर्मेटोगोनिया का बाद में ग्रोथ फेज आएगा और ग्रोथ फेज के बाद मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज में मियोटिक डिवीजन होगा, राइट? अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। ये स्पर्म भैया होता कैसे, कैसा होता है स्पर्म? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म देखते जाओ। बनाने का मन नहीं कर रहा, रुको मैं ढूंढता हूं डायग्राम, अगर मिला तो वही दिखाऊंगा। एक मिनट, बस ढूंढ रहा हूं अच्छा सा डायग्राम मिल जाए, मजा आ जाएगा। मिल गया। मैं माइक्रोफोन इस्तेमाल नहीं करता यार, डायरेक्ट लैपटॉप की आवाज है ये।
बताओ डायग्राम कैसा है। दिखाई दे रहा है ना, क्लियर है ना? ओके, सुनते जाओ। देखियो, स्पर्म के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा हेड। ये रहा हेड, द फर्स्ट पार्ट इज हेड। हेड के ऊपर एक कैप होती है, उस कैप को बेटा हम एक्रोसोम बोलते हैं। लिखा है एक्रोसोम, ठीक है ना? हेड के अंदर मेन चीज न्यूक्लियस होता है। याद रहे, इस न्यूक्लियस में हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। हैप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम्स होंगे, वो पेयर्ड कंडीशन में नहीं होंगे, अनपेयर्ड कंडीशन में होंगे, ठीक है ना? हेड के बाद आएगा मिडिल पीस। देख ही सकते हो मिडिल पीस कहां से कहां तक, लेकिन मिडिल पीस के पहले छोटा सा नेक भी है। तो हेड के बाद नेक, नेक के बाद होगा स्टार्ट मिडिल पीस। मिडिल पीस में काफी सारी चीजें होती हैं। क्या क्या? माइटोकॉन्ड्रियन होता है, माइटोकॉन्ड्रियन के बाद भी कुछ चीजें होती है, सेंट्रियोल होते हैं, वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना? और इस मिडिल पीस के बाद एक लंबा सा टेल स्टार्ट होता है। ये रहा, इस टेल में क्या क्या होता है? फ्लैजलम है, फ्लैजलम के ऊपर कवर है, और पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एक्सल फाइलामेंट, और एक्सल फाइलामेंट के लास्ट में पीस है ना जी। अब देखो, सबसे पहले मैंने लिखा एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या है? एक्रोसोम, व्हाट इज द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म? एक्रोसोम क्या है? इसको हम स्पर्म कैप भी बोलते हैं। एंड व्हाट इज इट? इट इज अ मॉडिफाइड गॉल्गी बॉडी। गॉल्गी बॉडी समझते हो ना? ये एक टाइप का मॉडिफाइड गॉल्गी बॉडी होता है। एंड इसका काम क्या है? इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ एंजाइम्स, रिलीजेस एंजाइम्स। उन एंजाइम्स को बेटा हम स्पर्म लाइसेंस बोलते हैं। रिलीजेस एंजाइम्स, एक्रोसोम से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, उन एंजाइम्स को हम स्पर्म लाइसेंस बोलते हैं। ये स्पर्म लाइसेंस क्या काम करते हैं? स्पर्म लाइसेंस हेल्प इन द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग, हेल्प इन द फ्यूजन ऑफ दिस स्पर्म विद एग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब एग को स्पर्म के साथ फ्यूज होना होगा, उस वक्त ये स्पर्म लाइसेंस काम आएंगे, है ना जी? उसी वक्त ये स्पर्म लाइसेंस रिलीज करेगा एक्रोसोम। एक्रोसोम के बाद मैंने कहा हेड, हेड ऑफ द स्पर्म। हेड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को याद रखनी है, हेड में नेग्लिजिबल साइटोप्लाज्म होता है। नेग्लिजिबल साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म स्पर्म में बहुत कम होता है। फिर क्या होता है इस हेड में? इट कंटेन्स अ न्यूक्लियस। एंड अभी मैंने कहा न्यूक्लियस में होते हैं डिप्लॉइड क्रोमोसोम, सॉरी हैप नंबर, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। मतलब क्या है हैप्लॉयड क्रोमोसोम? क्या लिखा है? हेलोनॉय
हाइलोनिडेज, अरे बाद में बोलूंगा ना, फिलहाल मैंने जस्ट, मैं तुमने हेलोनॉइडेज लिखा है, बाद में बोलूंगा हाइलोनिडेज। उन सबको जनरली हम स्पर्म लाइसेंस बोलेंगे, जब हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे ना उसी वक्त बोलूंगा, टेंशन काय लेते हैं। वैसे मैंने अपने YouTube चैनल में पढ़ाया है, वहां पर देख सकते हो। तो मैंने क्या कहा, हेड में नेग्लिजिबल साइटोप्लाज्म होता है, बहुत कम, मतलब ना के बराबर, स्पर्म में ना के बराबर साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब तुमको पता होगा ह्यूमन सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम होता है, बताओ मुझे जरा। फोर्टी सिक्स, ग्रेट। लेकिन ये 46 है ना, 46 इज द डिप्लॉयड नंबर, 2n इज इक्वल टू 46। 46 मतलब 23 जोड़ियां होती हैं, 23 जोड़ियां, 23 पेयर्स। हैप्लॉयड का मतलब 23 सिंगल्स होंगे, स्पर्म के अंदर 23 सिंगल्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 सेट्स होंगे, लेकिन हर सेट में सिंगल क्रोमोसोम। डिप्लॉयड का मतलब अगर 46 है क्रोमोसोम, डिप्लॉयड सेल का मतलब है हर सेट में दो क्रोमोसोम, 23 दूनी दो हो गया 46, है ना। उसके बाद आएगा बेटा नेक, जहां पर मैंने नेक लिखा, तुम लोग डायग्राम में देख सकते हो, ये रहा नेक। नेक में एक सेंट्रियोल होता है, नेक कंटेन्स प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, शायद तुम लोग ने सेंट्रियोल पढ़ा हो इसके बारे में। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जाइगोट जब बनेगा, जब ये स्पर्म एग के साथ फ्यूज होगा तो बन गया जाइगोट। जाइगोट में बाद में बेटा डिवीजन होता है, डिवीजन के लिए सेंट्रियोल चाहिए होता है, एग में खुद का जाइग सेंट्रियोल नहीं होता, नहीं डीएनए को डिवाइड नहीं कराता, बट सेल डिवीजन में मदद करता है सेंट्रियोल। एग में खुद के पास एग का सेंट्रियोल नहीं होता, उस वक्त यही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जायगोट के डिवीजन में मदद करेगा। मैं लिखूंगा इट हेल्प्स इन द फर्स्ट क्लिवेज, क्लिवेज बोले तो डिवीजन, इट हेल्प्स इन द फर्स्ट क्लिवेज ऑफ जाइगोट। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का यही काम है, ये पहले क्लिवेज डिवीजन में, जाइगोट के पहले क्लिवेज डिवीजन में हेल्प करेगा। इज इट क्लियर? एक काम करो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी। हाँ शेर, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अभिषेक, आशिर तुम्हारा स्क्रीनशॉट हो गया,
हाँ जी देखियो, नेक हो गया, हेड हो गया, एक्रोसोम हो गया, अब आता है मिडल पीस। मिडल पीस बहुत इंपॉर्टेंट, स्पर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, मिडल पीस। अरे पहले वाले, पहले वाले पेज में फोटो क्लियर है ना, ये वाला थोड़ा धुंधला सा है, पहले वाले में क्लियर है ना, इसीलिए मैंने कोई टेंशन नहीं लिया, बस यही वाला ला दिया। मिडिल पीस में तुम देख सकते हो सबसे पहली चीज माइटोकॉन्ड्रिया। तो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रियान तुम जानते ही हो बचपन तो। माइटोकॉन्ड्रियान क्या काम करेगा? कुछ दिन पहले मैंने जब सेमाइनल वेसिकल पढ़ाया था, मैंने कहा था सेमाइनल वेसिकल के सेक्रीशन में सक होता है कि नहीं? हाँ, मैंने कहा था ना, जब सेमेन बाहर निकलेगा, सेमेन में बहुत सारी चीजें होती है। क्या क्या होता है सेमेन में? एक तो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स के साथ साथ सेमेन में प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, प्लस उसमें होता है सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स। जो सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन होता है उसमें फ्रक्टोस मैंने बताया था, बताओ सही कि गलत? सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन, मैंने मैंने कहा था सेमिन में जो सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन है उसमें फ्रक्टोस होता है, उसी फ्रक्टोस को तोड़ के एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स। स्पर्म्स को भाई मूव करना है, इसलिए इनको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी निकलती है किससे? वो एनर्जी निकलती है इसी माइटोकॉन्ड्रियन से जो मिडल पीस में है। मिडल पीस में दूसरी चीज भी है, मिडल पीस ऑल्सो कंटेन्स ये वाली जो चीज है, दिस, जिसको मैंने ग्रीन कलर मारा। क्या है भैया ये? इट इज द डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के बाद आया डिस्टल सेंट्रियोल, है ना? तो मिडिल पीस में भाई डिस्टल सेंट्रियोल भी होता है। और ये डिस्टल सेंट्रियोल काम क्या करेगा? ये जो टेल है, ये जो एक्शल फाइलामेंट है, ये एक्शल फाइलामेंट इसी डिस्टल सेंट्रियोल से अराइज होगा। तो डिस्टल सेंट्रियोल गिव्स राइज टू द एक्शल फाइलामेंट, गिव्स राइज टू द एक्शन फाइलामेंट। ठीक है ना? फिर यहां पर, जहां पर एन्यूलस लिखा है, ये यहां पर एक और सेंट्रियोल होता है, उस सेंट्रियोल को एन्यूलस बोलते हैं या एन्यूलर सेंट्रियोल बोलते हैं, एन्यूलर सेंट्रियोल। इट इज ऑल्सो नोन एज रिंग सेंट्रियोल, एन्यूलर सेंट्रियोल और रिंग सेंट्रियोल। इसका फंक्शन बेटा पता नहीं,
फंक्शन इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। फिर आएगा टेल रीजन। टेल रीजन में लंबा सा एक्सियल फिलामेंट होता है, एंड पीस होता है, और टेल रीजन क्या काम करेगा? टेल रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ द स्पर्म। टेल रीजन ही स्पर्म्स का मूवमेंट कराएगा। बताओ सही है कि गलत? एक और बात, ये जो पूरा का पूरा स्पर्म है ना, द एंटायर स्पर्म राइट फ्रॉम पूरा हेड से लेके टेल तक, द एंटायर स्पर्म इज सराउंडेड इन अ वेरी थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिखा है ना, शीथ लिखा है ना, फाइब्रस शीथ, यही तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द एंटायर स्पर्म इज सराउंडेड इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, द एंटायर स्पर्म इज सराउंडेड इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये था स्पर्म का हाँ, अभी आवाज आ रहा है ना? हाँ प्रवीण, अभिषेक, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो इसको भी। हाँ शेर, स्क्रीनशॉट ले लिया? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना भाई, मैं ऊपर लिखने वाला हूं स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन एक बार मैं रिफ्रेश करूंगा। हाँ, फीमेल और कितना पढ़ोगे भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफी कुछ बता दिया मैंने। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा और पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा हमने, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is composed of a pair of
और मैं पहले ही बोल चुका हूं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स जिनके अंदर गैमिट्स बनते हैं। तो ओवरीज के अंदर एग्स बनेंगे, ओवा बनेंगे, देन अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स का एक और नाम भी है, दे आर ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब्स। Then a single uterus then a single vagina vaginal canal likhenge and finally एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया का मतलब क्या है? ये जो ये चीजें हैं, ओवरी से लेके कहां तक, वजाइनल कनाल तक, ये हमको बाहर से दिखाई नहीं देगा। ये सारे जो हैं, दीज आर इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द एब्डोमेन, जो हमको बाहर से दिखने वाला है, दैट इज दिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया, है ना। अब इन सब चीजों को एक साथ कैसे अरेंज किया है ऊपर वाले ने, थोड़ा सा छोटा सा मैं डायग्राम ढूंढ के लाऊंगा। बस थोड़ा सा वेट करो, मैं एक डायग्राम दिखा के तुम लोगों को क्लास खत्म कर दूंगा। ये देखो भाई, डायग्राम मिल गया। देखो भाई, बस डायग्राम देख लो, देख के रखो, आगे की क्लास हम अगले दिन करेंगे क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया है। देखो भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मैंने कहा पेयर ऑफ ओवरीज, ये रहा एक ओवरी, ये रहा दूसरे साइड से दूसरी ओवरी, ठीक है। फिर मैंने कहा पेयर ऑफ ओविडक्ट्स जिनको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, ये रहा फैलोपियन ट्यूब यहां से लेके यहां तक, और ये रहा फैलोपियन ट्यूब यहां से लेके यहां तक, राइट, दो हैं। फिर एक यूटरस, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, दिस, ये होल स्ट्रक्चर, दिस इज नन अदर देन यूटरस, ठीक है ना। फिर मैंने कहा एक सिंगल वजाइनल कनाल, ये रही वजाइनल कनाल यहां से लेके यहां तक, ओके। एंड मैंने कहा एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया यहां दिखाया नहीं है, उसके लिए अलग से डायग्राम दिखाना पड़ेगा। दिस होल स्ट्रक्चर, पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर ओविडक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, सब चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। वी विल स्टडी दैट इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना भाई। तब तक के लिए काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो और डन कर दो जल्दी।
हाँ प्रवीण कुमार, गौरव स्क्रीनशॉट ले लिया, हाशिर तो पहले ही भाग गया भाई। अच्छा चलो भाई मिलते हैं, मैं पढ़ा लेता लेकिन 4 मिनट में कुछ नहीं होने वाला, 4 मिनट में हमारा एक पार्ट भी खत्म नहीं होगा, इसलिए इसको अगली क्लास में बताएंगे, मोस्ट प्रॉबली वो कल क्लास कल होगी हमारी। तो मिलते हैं अपनी कल वाली क्लास में, अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड गुड बाय।